गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, सेफ होंगे। तो अभी रात के 8:30 बज रहे हैं और अभी ये ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, अभी आप लोगों से बात कर रही हूँ। तो तबीयत आज मेरी ठीक नहीं थी, आज मेरा पेट थोड़ा अपसेट है, जबकि मैं कुछ ऐसा वैसा नहीं खाती हूँ। खाना पीना एकदम मेरा नॉर्मल ही है, तो कुछ भी ऐसा नहीं खाया, बट पता नहीं क्यों ऐसा है। तो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, बहुत कमजोरी लग रही थी और अच्छा मन भी नहीं हो रहा था। अनिमेश ने मुझे मेडिसिन दिया, मेडिसिन खाने के बाद और मन खराब हो गया। मतलब पहले यह था कि पेट मतलब सही नहीं था, अभी ये है कि खाने के बाद चक्कर आ रही है और मुंह का टेस्ट इतना गंदा हो गया, इतना गंदा हो गया, अजीब सा फील हो रहा है। फिर मैं लेटी हुई थी, फिर मुझे लगा लेटी लेटी तो और मन खराब हो रहा है। तो अनिमेश का लैपटॉप अभी तक आया नहीं था, मतलब लाने नहीं गया, तो कल ही गया था। तो अनिमेश अभी बोल रहे थे कि मैं जा रहा हूँ, फिर मैंने सोचा कि हम सब जाते हैं, क्योंकि एक दो सामान मैंने बोला था बुर्जमान से लेना, तो वो ले लूंगी, क्योंकि वो जो बैग है ना जिसमें गिफ्ट वाला सामान है वो बस पूरा पैक करके अलग उसको रखना है। मैंने अपनी पैकिंग अभी तक शुरू नहीं की, ना अपनी आगे भी नहीं हुई है जबकि इतना टाइम नहीं है। तो मेरे कपड़े हैं वहां पे, तो मेरा कपड़ा कम भी जाएगा तो चलेगा, मतलब मैं पिछली बार भी गिने चुने कपड़े ही लेके गई थी। कपड़े हैं तो इतना मुश्किल नहीं, बट हाँ ये लंबे टाइम के लिए रहना है तो वो चीज़ है। और कपड़े जब वहाँ बंद करके आती हूँ ना, कपड़े में से अजीब सी सीलन वगैरह, मतलब अजीब सी स्मेल आती है, सीलन लग जाती है, खुद फिर देखना पड़ेगा, धो के फिर उसको सुखाना पड़ेगा। तो वो सब चीज़ है, जरूरी नहीं है कि पहनने लायक भी कपड़े रहे। बहुत बार तो ऐसा हुआ है कि पूरे कपड़े में छेद 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 हो जाते हैं, तो पता नहीं है कि स्थिति क्या होगी कपड़ों की, तो वो भी एक बात है। बट फिर भी मैं ज्यादा नहीं लेके जाऊंगी यहाँ से, थोड़े बहुत ही कपड़े लेके जाऊंगी। हाँ, नवनिया के थोड़े लेके जाऊंगी कपड़े, क्योंकि नवनिया के एक भी कपड़े वहाँ नहीं है। और उस दिन जो मैं आपको बता रही थी कि मेरा ये खराब हो गया है कार्ड में लगाने वाला फोन होल्डर, तो मैंने मंगा लिया है, देखती हूँ अभी इसको यूज करके ये कैसा है। तो ये आ गया है, तो चलिए फिर जाती हूँ मैं, इसको गाड़ी में लगाती हूँ, फिर हम लोग निकलते हैं, मिलती हूँ आपसे। अभिनंदन, आभार, करते रहे हमें प्यार, हमें तो रहता है आपसे मिलने का इंतजार। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, कुशल होंगे, होना भी चाहिए। जो लोग US जाने की तैयारी कर रहे थे उनके लिए बहुत ही सैड न्यूज़ है कि वीज़ा का जो अपॉइंटमेंट है वो काफ़ी आगे है, यानी कि अक्टूबर 2024 तक अपॉइंटमेंट है ही नहीं वीज़ा का, कहीं से नहीं। तो ये न्यूज में भी आ रहा है 2 दिन से, और आज रेडियो में भी बोल रहे थे कि दुबई से नहीं है कि कहीं इंडिया से, कहीं से भी नहीं है, कहीं से भी नहीं है। US का जो अपॉइंटमेंट है वो 2024 के अक्टूबर से है, तो 1 साल 4 महीना। दुबई भी काफी अच्छी जगह है, लेकिन फिर भी देखिए US के लिए कितनी होड़ है US में जाने के लिए। अगर किसी को बहुत मतलब ऐसा अर्जेंटली जाना हो या कुछ ऐसा हो तो अभी मालूम नहीं, शायद विजिट वीजा या कुछ तो इशू करेंगे, बट आई डोंट थिंक सो। US इज ऑलवेज स्ट्रिक्ट ऑन वीज़ा पॉलिसीज, और अभी तो 2 दिन से जो न्यूज़ आ रही है वो तो क्लियर है कि वीज़ा के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो अभी भी वही हैं, और नेक्स्ट अपॉइंटमेंट जो है वो 24 अक्टूबर में है। खैर, ये सब तो होते रहेगा, कुछ ना कुछ एक्शन तो US को लेना ही पड़ेगा, क्योंकि इतनी फाइल्स जो है वो रखी हुई हैं वीज़ा एप्लीकेशन की, वो भी सही नहीं है किसी कंट्री के लिए, बिकॉज आज तो टूरिज्म का ज़माना है और टूरिज्म पे ही सब कुछ टिका हुआ है। तो चलिए हम जा रहे हैं मेरा लैपटॉप लेने के लिए जो ऑफिस का था। पुरानी जो लैपटॉप थी वो टूट गई थी, लास्ट टाइम मैं जब कतार जा रहा था तो चेक इन में वो गिर गया था मेरे से, चेक इन करते टाइम तो वो नीचे से टूट गया था। एक दो बार स्क्रीन ऑन एंड ऑफ भी हुआ, तो मैंने ये अपनी कंपनी में बताई और मैनेजमेंट को भी रिपोर्ट किया, क्योंकि ये सीरियस इशू हो सकता है अगर स्क्रीन जो है वो लंबे समय के लिए ऑफ हो जाए। खैर, लैपटॉप जो है 5 साल पुरानी थी, और हर 5 साल में, इनफैक्ट 3 साल के बाद ही लैपटॉप या तो रिप्लेस होता है या रिपेयर के लिए, कुछ तो मेंटेनेंस के लिए जाता है। बट आपको ये वाली कंपनी चेंज करके दे रही है, पुरानी वाली? ऑफ कोर्स पुरानी कंपनी एक्सचेंज करके। तो नई कंपनी में भी सेम रूल होगा, टूटने पे मिल जाएगी? नई कंपनी का तो पूरा प्रॉपर ऑफिस है ना यहाँ पे, तो उनके तो काफी सारे लोग यहाँ बैठते हैं, तो नई कंपनी के बहुत सारे लोग यहाँ बैठते हैं, बहुत बड़ा ऑफिस है वहाँ पे। तो खैर, अगर वो खराब भी हुआ तो वो चेंज कर देंगे, टेम्पररी लैपटॉप भी होगा उनके पास, बहुत सारी चीजें होंगी। सो नई कंपनी के काफी लोग हैं यहाँ पे, काफी एस्टेब्लिश्ड ऑफिस है। Oh, 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 oh,
देखिए आज बुर्जुबान में कोई पिज्जा ऑफर है 1 दिरहम में मिल रहा है, देखिए कितनी लंबी लाइन है, बाप रे। हमने ले लिया सामान, रम्या थोड़ा कुछ खा लेंगे फिर हम घर जाएंगे। फिर से अनिमेश हैप्पी मिल रहा है और क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हो? ये चीपेस्ट ऑप्शन है विद लेट्स से मॉडरेट क्वांटिटी, अदरवाइज हमें बड़ा ऑप्शन लेना पड़ेगा। ये दोनों मिला के 28 का है, वो एक 22 का है और उसमें फिर ऑप्शन कोल्ड ड्रिंक ही है। आई डोंट वांट टू गिव देम कोल्ड ड्रिंक प्लस आई डोंट वांट टू टेक बिगर फ्रेंच फ्राइज प्लस यू नो बिगर वो क्या बोलते हैं पैकेट ऑफ चिकन नगेट्स। चिकन नगेट्स इसमें एप्पल जूस चार चार हाँ, और इसमें एप्पल जूस मिल रहा है। तो इन्होंने ले लिया और खाया नहीं, दोनों का यहाँ है निया का भी दे दो। तो गाइस हम लोग वापस आ गए और ये यहाँ पे आप मेरे बेड पे देख रहे होंगे, चिप्स के पैकेट है, पॉपकॉर्न है, जूस वगैरह है। कल नवनिया के स्कूल में क्लास एंड पार्टी है तो उनको लेके जाना है, अपने खाने के लिए थोड़ा बहुत लेके जाना है, अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ा बहुत शेयर करना चाहे तो कर सकते, तो सारे बच्चे लेके आएंगे थोड़ा बहुत एक दूसरे के साथ शेयर करने के लिए। अगर बच्चों का मन करे तो सपोर्टिंग स्टाफ्स के साथ शेयर कर सकते, तो उनके लिए अलग से पैकेट बना के तैयार करनी है, मतलब एक पैकेट के अंदर सारा सामान रख के लिख के देना है, तो सपोर्टिंग स्टाफ को जाके दे देंगे और बच्चों के लिए भी अलग से पार्टी के लिए कुछ स्नैक्स दे दूँगी। सो गाइस नवनिया स्कूल जा रहे हैं और अपने टीचर के लिए भी गिफ्ट लेके जा रहे हैं, और एक जो मैंने लिया था बोल सेट वो मैंने नहीं दिया, एक्चुअली दोनों बहुत हेवी हेवी हो रहा था, तो एक मैंने फ़ोटो फ्रेम दे दिया और एक वो सेरामिक प्लेट दे दिया है। गुड मॉर्निंग गाइस, तो नया अयान जो है स्कूल की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। अयान वेट, ओके व्हाट इज देयर टुडे इन द स्कूल? पार्टी। पार्टी? What will you do in the party? Play some games and shoot the fan and food. And we dance. Okay, you will dance, you will play games and share some food. Ah, okay. And what is there? What is there in your hand, Naya? That is from Mrs. Smita's gift. Mrs. Smita's gift. Ah. Yeah. तो गाइस आज नेक्स्ट डे, फिर कल आने के बाद आपसे बात नहीं हुई। जैसा कि मैंने आपको बोला तबीयत नहीं ठीक थी तो मुझे बहुत कमजोरी लग रही थी, पता नहीं, जबकि मैं पानी पी रही थी। कल हम लोग वहाँ पे गए, अनिवेश ने लैपटॉप कलेक्ट किया, फिर हम लोग ट्रायल शॉप में गए, थोड़ा कुछ लिया, जैसा कि मैंने आपको बोला था कुछ वहाँ से कुछ चीज़ें लेनी है, फिर हम लोग ने अपने आप को लेकर फूड कोर्ट में चले गए। उन लोगों ने बोला कुछ खाना है, तो अनिवेश ने बोला कि ठीक है चलो फूड कोर्ट में मैकडोनल्ड्स का ही कुछ खा लो, तो बैठे वहाँ पर, बट उन लोगों ने कहाँ खाया, फिर हमें लेके वापस आना पड़ा। एक्चुअली उसमें भी वो लोग अगर थोड़ी देर बैठते तो खा लेते, मतलब खेलते वेलते बात करते हुए खा लेते। मैंने ही बोला कि चलो घर, अब उसे नहीं बैठा जा रहा। कल मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी दिन में, पता नहीं मैं पानी तो पी रही हूँ, डिहाइड्रेशन हो गया क्या हो गया है, तो पेट नहीं सही थी, उसकी वजह से मैंने मेडिसिन तो खाया, उसके बाद से मुझे ऐसा फील हो रहा, इतना चक्कर वक्कर आ रहा था, कमजोरी हो गई है क्या हो गया पता नहीं, मुझे आँखों क्या क्या अंधेरा अंधेरा सा दिख रहा, तो मेरा वहाँ पे बैठने का भी बिल्कुल मन नहीं था। तो मैंने ही बोला था अपनिया को जितना खाना है खाओ चलो घर पे, तो फिर इसीलिए वो लोग आ गए, फिर नहीं खाया। तो बुर्जुबान गया तो अनिमेश का लैपटॉप भी लिया, कुछ टॉय लिया है, तो वही मैंने, ये मेरा बैग अभी पूरा पैक हो गया है, जो मैंने बोला था कि लेके जाने वाला एक बैग ये रहेगा, बाकी दो बैग वहाँ पे, एक पिंक कलर का जिसमें मेरा सामान रहेगा, एक मिनट अपनी का सामान रहेगा, और एक अनिमेश अपना छोटा बैग है वो पैक करते, तो वो तो जाएंगे, हमें पहुँचा के आ जाएंगे। हम लोग तो रहेंगे तो 2 महीने के लिए सामान इनफ तो नहीं है, क्योंकि एक बैग में नवनिया का दोनों का रहेगा और एक में हमारा रहेगा। तो क्या होता है जब हम लोग ट्रेवल करते हैं यहाँ से, तो एक एक जो खाली खाली बैग है ना, कितना भी लाइट वेट लो बैग, मतलब 3 किलो का तो होता ही है, 2.5 किलो 3 किलो का हो जाता है, तो इस तरह के 4 बैग हमारे हो जाते हैं, तो 12 kg का तो खाली बैग का बस वेट हो जाता है, और हमने डोमेस्टिक में टोटल 60 kg अलाउड है, तो 12-13 kg तो वैसे ही खाली बैग हो जाता है, बाकी सब तो वही है। मैं अपना ही सामान थोड़ा कम कर देती हूँ, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला मेरे कपड़े हैं, नवनिया का तो ले जाना पड़ता है, बाकी देखूंगी वहाँ पे जरूरत होगी तो वहाँ पे गर्मी के हिसाब से उस तरह के कपड़े खरीद दूंगी, वहाँ तो लोकल शॉप में भी मिल जाते हैं उस तरह के गर्मी के बने हुए आते हैं, तो देखूंगी जैसा जो होगा, बट यहाँ से मैं उन लोगों के कपड़े लेके जाऊंगी, क्योंकि अभी चेन्नई जाना है, वहाँ पे कपड़े वगैरह धोने की सुविधा नहीं होगी, तो देखते हैं वहाँ पे हमें कितने दिन रुकना पड़ेगा, डॉक्टर क्या बोलते हैं, किस तरह की क्या चीज़ें होती है, तो उस हिसाब से पैकिंग करूंगी। वही 2 बैग में बच्चों का और मेरा हो जाएगा, आने में छपना कर लेंगे, और एक ये बैग है जो सामान वाला, वही मैं आपको दिखा देती हूँ कि कल क्या चीज़ें लेके आई। बाकी ये सब तो पहले से लेके आई थी, आउटलेट मॉल जब हम लोग गए थे तो मैंने आपको दिखाया था कि किसी कारण से ले रहे हैं,
ये था, दिखाती हूँ। ये तो आउटलेट मॉल से हम लोग पहले ही लेके आए थे, मैंने दिखाया भी था, ये भी एक लेके आए थे जब भाभी की यानी सतीश जी की वाइफ का बर्थडे था, तब गए थे हम जब आउटलेट मॉल, तभी ये ले लिया था, ये ले लिया था और ये ले लिया था। तो ये तीन भी है, तो ये भी वहीं के लिए है। और जो मैंने कुछ बेडशीट लिया था, ये और दो एक जैसे थे, आपने देखा होगा उस वीडियो में, ये भी दो एक जैसे थे, एक ये एक ये। तो वो जो हम लोग लेके आए थे तो मैंने दिखाया था, तो जितने भी बेडशीट मैं लेके आई थी वो सब उस वीडियो में है, तो अभी तो मैंने ढक दिया। ये हम लोग कल गए थे ना बोर्जमान, तो लेके आए ये एक ये, तो ये दो चीज लेके आए हैं। एक और सामान लेके आए हैं ये, ऐसा निया के पास भी आपने देखा होगा पिंक कलर का, तो ये एक लेके आए। तो ये तीन चीज़ बस कल हमने लिया बुर्जमान से, और अनिमेश का लैपटॉप लिया है। तो बस अब हो गया, अब चॉकलेट्स वगैरह देखते हैं तो वो ले लेंगे, बस हो गया। इस बैग को पैक कर लिया, चॉकलेट्स भी अब इसमें रखने की जगह तो है नहीं, पूरा ही फुल कर लिया। जैसा कि मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बोला कि हर बार मैं सोचती हूँ कि हो गया बट करते करते सामान, मतलब ये सब गिफ्ट्स वाले सामान हो ही जाते हैं ज़्यादा, बट ठीक है वहाँ जाके तो बैग खाली ही हो जाना है। ये वाला परफ्यूम भी आउटलेट मॉल से जो लिया था तो वो है, जैसा कि मैंने आपको बोला कि ये सब मैंने पहले से ही लेके रखा था, दिखाया भी था, बोला भी था कि किसी कारण से ले रही हूँ, बाद में बताऊंगी, तो यही कारण था, वहीं ले जाना था। तो ये हो गया, तो वही उस दिन जो सब लेके आई हूँ वो दिखा दिया, और ये और एक ये और बेडशीट वगैरह, ये सब तो पहले से लाया हुआ है, और कल जो टॉयज लेके आया वो सब दिखा दिया। तो ये बैग मेरा पैक हो गया है, बस इसको बंद करना है, तो इसमें और कुछ चीजों की जगह नहीं है। तो एक बैग रेडी हो गया है, बाकी मेरी पैकिंग अभी तक नहीं हुई है। एक बैग तैयार, तो ये तो हमारे होम टाउन जाने के बाद खाली हो जाएगी, कुछ चीजें बस एक दो सामान रहेगा जो कहीं और देना है, तो वो बस इसमें रह जाएगी, बाकी ये सारी खाली हो जाएगी, तब वहां से हम कुछ इसमें लेके आ सकते हैं। जब अनिमेश हमें पहुंचा के यहाँ वापस आएंगे तब उनको भी कुछ कुछ मैं दे सकती हूँ कि वो यहाँ ला सकेंगे, तो देखती हूँ क्या होता है। अभी तक तो मैंने वहाँ पे कुछ ऐसा मंगाया नहीं, ऑर्डर नहीं किया है। अगर हमारा सामान 10 केजी 15 केजी एक्स्ट्रा है तो अनिमेश नहीं बुक करते थे, मतलब एक्स्ट्रा बैगेज पहले से, तो वहां जाके एयरपोर्ट पे ही पे कर देते थे। बट बहुत बार ऐसा हुआ है कि 20 केजी भी हुआ है, 25 केजी भी एक्स्ट्रा हो गया है, तो फिर ऑनलाइन ही ले लेते थे, उसमें डिस्काउंट मिल जाता था कुछ 20% का, तो ऑनलाइन ही ले लेते थे। बट इस बार मैं सोच रही हूँ कि 60 केजी के अंदर ही अपना बैग रखूँ, क्योंकि वही है चेन्नई भी ट्रेवल करना है, आप चेन्नई में देखिए कितने दिन रुकेंगे, क्या करेंगे, समझ ही नहीं आ रहा है। एक तो सामान ज्यादा होता तो और प्रॉब्लम होती है, दिमाग और खराब होता है, लगेज ज्यादा है, दो बच्चे भी है, तो इसीलिए अनिमेश बोलते हैं जितना कम सामान हो उतना अच्छा है। मतलब मैंने उनको बोला कि मैं ऐसा सामान रखूंगी कि 60 केजी के अंदर ही हम सबका सामान हो जाए, तो देखते हैं इस बार क्या होता है। तो इसके पहले भी आपने देखा होगा मैंने वीडियो शेयर किया था कि मैंने अपना सामान बहुत कम रखा था, मैंने अपने गिन चुन के कुछ ही कपड़े रखे थे, क्योंकि मेरे कपड़े वहां पे थे। हर बार मैं ही सैक्रिफाइस करती हूँ, क्योंकि पिछली बार भी नमी आए कपड़े बहुत ज्यादा नहीं थे मेरे, तो बहुत ही कम मैंने रखे थे, दिखाया भी था, क्योंकि बहुत सारे कपड़े ऐसे थे जो नमी आके छोटे हो गए थे और एकदम अच्छे अच्छे थे, तो वो भी मुझे ले जाना था वहां देने के लिए, और कुछ गिफ्ट के भी सामान थे, तो इसी कारण वो सब का वेट थोड़ा ज्यादा हो गया था, इसलिए मैंने अपने चीजों में कॉम्प्रोमाइज कर दिया था। इस बार भी सोचा था कुछ शूज वगैरह, बिल्कुल स्कूल वाले ऐसे ही हैं, और भी शूज है ना अपने यहाँ के, आउटलेट मॉल से भी दो तीन शूज खरीदे तो वो टाइट हो गए, एकदम अच्छे अच्छे हैं, तो सोचा था कि ले जाऊंगी वहां पे दे दूंगी, बट नहीं पॉसिबल हो पाएगा इस बार। यहाँ पे बॉक्स में भी हम लोग डाल देते हैं, बट क्या होता है ना वहां पे देते हैं ना जाके, तो वहां पे आंखों के सामने, मतलब जिनको हम जानते हैं, मम्मी के यहाँ जो काम करने आती है उनका भतीजा है और बेटी का बेटा भी हुआ है, तो वो सब है, वो आंख के सामने है, वो पता है कि वो बच्चे पहनते हैं, उनको जरूरत है, और ऐसा भी नहीं कि फटे पुराने कपड़े, वो भी बात नहीं है, अच्छे कपड़े अच्छे शूज है नमी आके, स्कूल वाले तो एकदम जल्दी जल्दी छोटे हो जाते हैं, और अच्छे अच्छे शूज है अच्छे अच्छे वो है, तो यहाँ पे डाल देने से यह है कि वो भी मिल जाता है जरूरतमंदों को, बट वो होता है कि हमारे आंख के सामने, मतलब जिनको हम जानते हैं वो पहन रहे हैं, वो वाली चीज होती थी, इसलिए मैं सोचती थी कि उन लोगों को मिले, अगर वो उनको दू तो थोड़ा ज्यादा सही है, बट लग नहीं रहा इस बार पॉसिबल होगा। एक चीज कर सकती हूँ कि मैं पैकेट बना के यहाँ रख दूंगी, अनिमेश जब हमें लाने जाएंगे ना तो वो लेके आ सकते हैं, वो चीज कर सकती हूँ मैं। पिछले बार भी मैंने यही किया था, मैंने वीडियो भी बनाया था, मैंने पैकेट बना के रख दिया, लेकिन अनिमेश को मैंने ही नहीं बोला, मैं बोलना भूल गई, वो गए यहाँ से छोड़ के चले गए, तो वो पैकेट यही छूट गया था, तो ये चीज है। और जो मैंने वीडियो डाली, तो गाइस थैंक यू सो मच कि आप में से कुछ लोग रिलेट करते इस बात को कि मैंने जो बोला वो सही है कहीं ना कहीं कुछ हद तक, तो हाँ गाइस मैं जो भी बोलती हूँ आप लोगों के साथ बिल्कुल दिल से साफ दिलों से बोलती हूँ, मैं ये नहीं सोचती हूँ कि कौन मुझे कितना जज करेंगे, क्या सोचते हैं मेरे बारे में, मैं ये नहीं सोचती हूँ, मेरे दिल में जो आता है या फिर जो मैं फेस करती हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं उसी हिसाब से बात करती हूँ, इसीलिए आप लोगों के साथ दिल की बात शेयर कर देती हूँ। आपने देख
देखा होगा मैं दिल्ली गई थी, 15 kg मैं कैरी कर सकती थी, तो 2-3 कपड़े लेके गई थी क्योंकि मैं 3-4 दिनों के लिए गई थी जब मैंने अकेले ट्रेवल किया था अपने होम टाउन से, जो मैं गई थी डॉक्टर वगैरह का जो काम था मेरा। जब मैं वहां से गई सरोजनी तो मुझे वहां पे ठंडी के कपड़े अच्छे दिख रहे थे, तो अब ठंडी के कपड़े का तो वेट भी बहुत ज्यादा होता है विंटर वियर का, तो मैंने वो सबके लिए खरीदा, इंक्लूडिंग जो हमारे यहाँ वो काम करने के लिए लड़की आई थी उसके लिए भी, सबके लिए मैंने एक एक आदमी को याद रख के सबके लिए ठंडी के कपड़े खरीदे। अनिवेश के लिए इसलिए नहीं लिया था क्योंकि पता है कि वहां पे उनके लाइक ढंग का कुछ था भी नहीं, लड़कियों के लिए अच्छे अच्छे मिल रहे थे, तो मैंने मतलब सबके लिए जितने लोग थे जितना मुझसे पॉसिबल हो पाया मैंने सबके लिए लिया, और उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा पे भी करना पड़ा था क्योंकि मेरा यही बैग मैं लेके गई थी लेकिन सामान का वेट 7-8 kg ज्यादा हो गया था, तो मैंने एक एक्स्ट्रा बैग वही सरोजनी से ले लिया था, तो उसको भी मैंने चेक इन बैग में ही रखा था, तो मुझे इसके लिए एक्स्ट्रा पे करने पड़े थे। लेकिन जब मैंने सबको आके दिया ना, मतलब वो मेरी खुशी होती है, मैं चाहती तो नहीं लाती, और कोई मुझसे एक्सपेक्ट भी नहीं करता कि अगर ये गई है अपने डॉक्टर के काम से 4 दिन के लिए दिल्ली तो ये सबके लिए कुछ लेके आएगी, ऐसा किसी को कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं था। हाँ नवरिया को बस रहता है, बाकी किसी को तो नहीं था, लेकिन वो मेरी खुशी होती है कि मैं अगर गई हूँ कहीं पे तो मैं सबसे पहले, पता है गाइस दिल से बोलती हूँ, मैं ये नहीं सोचती हूँ कि मैं अपने लिए ले लूँ, अगर मैं गई हूँ ना कहीं तो मैं सबसे पहले ये सोचती हूँ कि उसके लिए ये ले लेती हूँ, उसके लिए ये ले लेती हूँ, उसके लिए ये ले लेती हूँ, मतलब अगर मैं उन लोगों से तुरंत में मिलने वाली हूँ तो। अब जैसे यहाँ शॉपिंग पे जाती हूँ तो मुझे पता है कि मैं तुरंत नहीं मिलने वाली हूँ, 6 महीने साल भर में मिलूंगी, तो जाने समय मैं शॉपिंग करती हूँ उन लोगों के लिए। बट वहां पे मेरा ये था कि अभी 2-3 दिनों के बाद फिर से मुझे वापस घर जाना है, तो मुझे ये चीजें दिख रही है, ये उनके लिए ले लेती हूँ, ये उनके लिए ले लेती हूँ, तो मेरे दिमाग में सबसे पहले यही चीज आती है कि मैं सबके लिए कुछ ना कुछ लेके जाऊँ, तो वही मैंने किया था एक्स्ट्रा पे करके। मैं 3-4 दिन के लिए दिल्ली गई थी तब भी मैंने सबके लिए कुछ ना कुछ लिया, लेकिन पता है गाइस वही है ना कि मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ तो ठीक है आप मेरा दिया हुआ नहीं पहनो, जरूरी नहीं है कि किसी का लाया हुआ सामान सबको पसंद आए, हो सकता है कि जो मैंने चीजें दी उनको नहीं पसंद या उनको लग रहा है कि ये नहीं पहनेंगे या अच्छा नहीं है, तो जरूरी नहीं होता कि हर किसी का गिफ्ट दिया हुआ सामान कोई ले ही ले, मतलब कोई यूज ही कर ले या पहन ही ले, ये जरूरी नहीं, और ये मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करती हूँ कि मैंने अगर किसी को कुछ दिया तो वो पहन ही ले, और ना ये देखने के लिए मैं साल भर वहां पे बैठी हुई हूँ, मैं तो ये नहीं बोलती हूँ कि मैंने किसी को कुछ दिया तो आप पहन लो, ये जरूरी नहीं है, ये तो मैं बिल्कुल ही एक्सपेक्ट नहीं करती। बट हाँ एक कट से ये होती है, एक दिल में ये होता है कि अगर मैंने किसी को कोई चीज दिया है तो आप इतनी कद्र कीजिए, उस चीज का इतना मान रखिए कि उसको एटलीस्ट उस टाइम तक खुशी खुशी एक्सेप्ट करके अपनी मतलब अलमीरा में कबोर्ड वगैरह में रख देना चाहिए उस टाइम में, ताकि जब मैं आ जाऊं, मैं तो वहां पे जैसा कि बोला सालों भर नहीं रहती हूँ देखने के लिए किसने क्या यूज किया नहीं किया, मेरा काम है देना मैंने दे दिया, बट आप उसको एटलीस्ट तरीके से संभाल के, मतलब एटलीस्ट आप इतना कीजिए कि मेरे सामने में आप अच्छे से उसको रख दीजिए कि चलो ठीक है हम इसको यूज कर लेंगे या पहन लेंगे या जो भी चीज है, मतलब तो वो एक एक्सपेक्टेशन होती है कि आपने खुशी खुशी एक्सेप्ट किया और खुशी खुशी उसको रख दिया, पहना ना पहना या यूज करना कि नहीं किया वो तो कोई नहीं देखता है किसी का, तो वो चीज होती है, तो वही चीज मुझे सब कहीं ना कहीं बुरी लग जाती थी कि मैंने दिया और वो इधर उधर ही है, कोई उसकी मतलब वो वैल्यू नहीं है, तो वो चीज मैंने लाइफ में सीखी है। और जैसा कि आप लोगों का कमेंट पढ़ के भी मुझे समझ में आया कि लाइफ में प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है, इमोशनल फूल बन के लाइफ में काम नहीं होती, हर जगह पे इमोशनली आप वीक होके कुछ नहीं कर सकते हो, अपना ही बुरा कर दो, वो चीज अंदर अंदर आपको परेशान करती है, आपको नुकसान पहुंचाती है, तो ये चीज मैंने सीख लिया है लाइफ में, और आप लोगों के कमेंट से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ तो आप लोग भी मुझे बताते हो अपना अपनी अपनी एक्सपीरियंस, तो बहुत मोटिवेशन मिलता है कि मैं जो कर रही हूँ वो भी गलत नहीं है, मतलब सही है, और आप लोग ने भी लाइफ में ये चीज फेस किया तो आप अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हो। तो हाँ गाइज मैंने अपनी लाइफ में ये चीज सीख ली और धीरे धीरे मैं अपने आप को दिन पर दिन बदल रही हूँ, थोड़ा प्रैक्टिकल बन रही हूँ और थोड़ा स्ट्रांग भी बन रही हूँ इन सब चीजों में, कि ऐसा कुछ करो जिससे दूसरे भी खुश और मैं भी खुश, वैसा करना चाहिए। और एक चीज और शेयर करती हूँ, इस बात थोड़ी सी अलग है, लाइफ में अगर आप किसी को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देते हो ना, क्योंकि आप उनको बहुत मानते हो, अगर आपने उनको कहीं पे देखा है, मतलब सामने सामने नहीं देखा है, वर्चुअली देखा और आप उनकी बहुत रिस्पेक्ट करने लगे हो, अपने आप को उनसे रिलेट करने लगे हो, बहुत ज्यादा मानने लगे हो, और वो मानना अलग होता है। लाइफ में किसी के पास गाइस इतना टाइम नहीं होता कि किसी के पीछे लग जाए, ये करे, सब अपने लाइफ में बिजी है, मेरे पास भी हजारों काम होते हैं, बहुत कुछ है, तो किसी के पास इतना फालतू टाइम नहीं होता कि किसी के लाइफ में इंटरफेयर करे या किसी को फोन करके परेशान करे या कुछ भी। मैंने आपके साथ एक वीडियो में शेयर भी किया था जब मैं परेशान चल रही थी कि मैं तो खुद फोन करना बंद कर दिया है सब, मेरा इंडिया में लोगों से बात किए हुए ज्यादा दिन हो जाते हैं, जिनसे चैटिंग हो सकती है उनसे तो बात नहीं होती, चैटिंग हो जाती है, फिर चैटिंग में काम चल जाता है,
और बात सिर्फ उन लोगों से हो पाती है जिनको चैटिंग वगैरह करना नहीं आता है, तो उन लोगों से बात हो जाती है। अदरवाइज कोई आज के टाइम में इतना फ्री नहीं है कि किसी के पीछे पड़े, किसी को एकदम वो करे। हाँ, जिनको आप पसंद करते हो तो उनको आप इज्जत देने की कोशिश करते हो। किसी से अगर आपने हालचाल पूछ लिया, या थोड़ा अगर आप स्वीट गेस्चर अपना दिखा रहे हो, थोड़ा आप किसी के साथ अच्छा बिहेव कर रहे हो, उनको थोड़ा स्पेशल फील कराने की कोशिश करो, तो समटाइम्स क्या होता है ना, लोग समझते हैं कि आप उनके पीछे पड़ रहे हो, आप मतलब उनसे कुछ अपना फायदा निकालने की कोशिश कर रहे हो, आप अपना कुछ मतलब निकालने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आपको इज्जत दे रहे हैं, आपसे प्यार से बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपसे मतलब, मुझे किसी से क्या मतलब निकालना रहेगा, जितना भगवान ने दिया जो दिया काफी है, इतना मुझे किसी से मतलब। मैं तो इनफैक्ट जितना अनिमेश सबसे ज्यादा घुल मिल के बात करते हैं, मुझे थोड़ा टाइम लग जाता है लोगों से ऐसे सामने सामने बात कर। मेरे मन में कोई घमंड नहीं है, कोई प्राउड नहीं है, कुछ नहीं है। मेरा नेचर ऐसा है कि मैं थोड़ा कम बोलती हूँ, कैमरे पे मैं बहुत बकबक कर लेती हूँ आप लोगों के सामने में, बट ऐसा जो लोग मुझे जानते हैं सामने से मिलते हैं, मेरा थोड़ा नेचर शाई टाइप का है, मैं नहीं बात कर पाती हूँ उतना खुल के। हाँ, एक बार बहुत अच्छे से बातचीत हो गई तो थोड़ा तब खुल पाती हूँ, ऐसे बहुत शांत शांत रहती हूँ, तो मेरी कमी अनिमेश पूरा करते, वो बहुत ज्यादा बात कर लेते हैं। तो मेरी तो खुद ही नेचर ऐसी नहीं कि मैं किसी को परेशान करूँ या मैसेज करूँ या फोन करूँ, मेरा ये नेचर ही कभी से नहीं रहा। तो अगर आप किसी को रिस्पेक्ट दे रहे हो, उस स्वीट गेस्चर में अगर आपने किसी से पूछ लिया, या थोड़ा किसी को बोल रहे हो कि आप आओ हमारे घर पे, या कुछ भी अगर आप बोल रहे हो, वो इज्जत देने के लिए एक रिस्पेक्ट होता है कि किसी को आप बहुत पसंद करते हो, या फिर वो एक बन जाता है ना आपके सामने में किसी का इमेज, तो वो चीज़ है। तो उसको भी समटाइम्स लोग समझ लेते हैं कि ये पीछे पड़ रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो वो सब चीज़ें भी मैंने लाइफ में अपनी सीख ली है कि वर्चुअल चीज़ वर्चुअल ही होती है, उसको रियल लाइफ में नहीं लाना चाहिए। जरूरी नहीं कि जो लोग आपको पर्दे पे अच्छे लगते हैं या फिर जो लोगों को आप देख रहे हो बिल्कुल सामने से भी वैसे ही हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वो एक भ्रम होता है जो कि मेरा टूट चुका है, और लाइफ में मैं बहुत प्रैक्टिकल धीरे धीरे बन रही हूँ। लाइफ में बहुत कुछ सीखा है गाइज, और धीरे धीरे सीख ही रही हूँ, और आप लोगों की कमेंट ने भी बहुत कुछ सिखाया है। तो चलिए गाइज, मिलती हूँ आपसे, आपको लैपटॉप भी दिखा देती हूँ। आ गए नवनिया स्कूल से, और देखिए कितना कुछ लेके आए। ये तो खैर मैंने ही दिया था, ये प्ले डो कौन सा जो लेके गए थे। गिरो गिरो तुम देखो। हाँ, अरे कौन किस दा दिया? बहुत कुछ मिला है आज स्कूल से। टीचर को गिफ्ट दे दिए थे ना निया तुमने। हाँ, टीचर ने क्या बोला? सो ये अनिमेश का लैपटॉप, अनिमेश के ऑफिस के द्वारा दिया गया। अभी हमारे पास जो भी लैपटॉप है, जैसे ये अनिमेश की कंपनी वाली लैपटॉप है, ये मेरी लैपटॉप थी जो स्क्रीन टूट गई थी, बट ये ठीक करा लिया, और वो मेरी जिस पे मैं अभी काम करती हूँ सब सिल्वर कलर की है, इसलिए अनिमेश को ब्लैक चाहिए थी। उड़ते करेंगे तो आईपैड की जैसा लग जाएगा। इसको पहले ओपन होने दो। उद्घाटन करो, मिठाई खिलाओ, पूजा करो। कब इसको, आपका तो ऑफिस है, इसमें सब कुछ डालेगा ना? यस, ऑफिस थर्सडे को डालेगा। अच्छा, कैसे? ऑनलाइन टीम व्यूअर के थ्रू? क्या, किससे? अब वो जाने, वही बताएगा। इसके साथ पेन भी है। हाँ, ये मेरे लैपटॉप में नहीं था। गुड थिंग इज दैट कि दो दो अडेप्टर मिले हैं, एक यूएई का है, एक ये इंडिया में लग जाएगा क्या? बट अपने यहाँ तो वो लगा हुआ इंटरनेशनल वाला, तो ये भी लग जाएगा। और ये पेन, सिस्टम है इसका, विच इज नाइस। आप ऐसे भी कर सकते हो ऑपरेट, ओके, एंड देन इट कैन बी ऑपरेटेड लाइक दिस आल्सो। तो ये मेरा योगा भी तो वैसे होता है। हाँ, आईपैड की जैसा लग रहा है। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। ये आईपैड की जैसा लग रहा है। तो मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय 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 बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।